नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 सौ करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा सिम्हाड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सिमरडी रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साईमाधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म ने सिनेमाघरों में, सिनेमा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई पाँच सौ करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमा घरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वर लक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सिमरडी रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुति हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साईमाधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्मा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी कि यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्मा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सिमरडी रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई पाँच सौ करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और लक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सिमरडी रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साईमाधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सिमरडी रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और लक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म ने सिनेमाघरों में, सिनेमा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 सौ करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो को नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिमा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बालकृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और लक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 सौ करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सिमरडी रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिणनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म ने सिनेमाघरों में, सिनेमा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो को नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिमा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म ने सिनेमाघरों में, सिनेमा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सिमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और लक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सिमरडी रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुति हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर और सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में डिज... रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुति हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिणनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिमा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और लक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साईमाधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्हा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सिमरडी रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुति हसन और लक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साईमाधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आ, डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुति हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 सौ करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह तो फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्ण मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सिम्मा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डाल दी गई और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में सिनेमाघरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पे इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बाल कृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साईमाधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई 500 करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो नमस्ते दोस्तों और एक नई मूवी रिव्यू की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों एक्शन से भरपूर फिल्म साउथ की होती है ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस मूवी के बारे में उसका नाम है वीर सिम्मा रेड्डी इस मूवी में कौन कौन से एक्टर ने अपना लीड रोल निभाया है किस तरीके से काम किया है किस तरीके से इस मूवी ने ज़बरदस्त एक्शन और ज़बरदस्त कमाई की है इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मूवी के फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ एक्शन से भरपूर फिल्में अगर आप देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों वीर सिम्हा रेड्डी यह फिल्म रिलीज़ कर दी गई है और फिल्म साउथ की है और साउथ की तमाम भाषाओं के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ की गई है फिल्म में नंदापुरी बालकृष्णन मुख्य भूमिका में है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बालकृष्ण के फैंस फिल्म के ऑडिटिव पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और वीर सीमा रेड्डी ऑडिटिव प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डाल दी गई और ऐसे में डिज... रिपोर्ट के अनुसार मिली झुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद इस फिल्म में घरों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है विदेशों में शुरुआत पर इसकी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखा गया है वीर सीमा रेड्डी फिल्म जो है वह बालकृष्णन दो किरदारों में दिखेंगे फिल्म में उनके साथ श्रुतु हसन और वरलक्ष्मी शरद कुमार भी दिखाई देंगे फिल्म की कहानी साई माधव बुरा और श्रीनिवास गावे रेड्डी ने लिखी है और इसे गोपीचंद मालिनी के द्वारा निर्देशित किया गया है जानकर हैरानी होगी यह फिल्म 110 करोड़ रुपए में बजट में बनी है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कुल कमाई पाँच सौ करोड़ रुपए की कर लिया है लगभग तो दोस्तों यह थी तो फिल्म वीरा रेड्डी जिसके बारे में मैंने आपको बताया तो वीडियो को लाइक